ये है गुजरात के जामनगर में मौजूद हापा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ से ये स्पीड पकड़ लेगी। अगर इस इंजन की बात करें तो WDM ये इंजन है जो इसको खींच रहा है, और ये रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस है, यानी ट्रकों को सीधा सीधा चढ़ा दिया गया है। देखिए किस तरीके से ट्रकों को चढ़ाया गया है, और जो ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन है, यानी बड़ा लिक्विड फॉर्म में ये ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन को काफ़ी ठंडा किया जाता है। और ये जो बेल्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्री से लगातार हम कह सकते हैं कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई है, और अब तक की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर चलने वाली ये ट्रेन है। 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इस पर लदी हुई है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, जैसे ही ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, वैसे ही ये ट्रक इस पर उतरकर अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे, अलग अलग अस्पतालों में चले जाएंगे जहां इनकी प्रतीक्षा की जा रही है। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से अस्पतालों की जो कैपेसिटी है उस पर प्रभाव पड़ा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी से जो मरीज हैं वो मर रहे हैं, और ये स्थिति अभूतपूर्व है। और इसमें जो कदम उठाया है रेलवे में उसको भी हम अभूतपूर्व कह सकते हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से ये ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और 1400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना है इस ट्रेन को। तो लिहाजा इसकी जो सिग्नलिंग व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि कहीं भी इसको रोका नहीं जाएगा, बड़ी स्पीड से ये चलती चली जाएगी, और जल्द से जल्द ये दिल्ली पहुंच जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।